हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोहनीगढ़ एक ऐसा कस्बा जो रातों रात वीरान हो गया। उसके पास सटे गांव सुराईपुर जो इस कस्बे के मनुष्य से नहीं बच पाया। वीरान और उजड़े हुए कस्बे के पीछे क्या कारण रहा होगा, जो एक अपने साथ रहस्य है। सर्दी के मौसम में रात के 2 बजे सभी अपने घरों में सो रहे थे। रात का अंधेरा और कोहरा अपने सबाब पर था। तभी धनीराम का फोन बज उठा। अरे यार, इतनी रात को किसे चैन नहीं है, धनीराम ने मुंह बनाते हुए कहा। हेलो धनिया, हम बेनीराम काका बोल रहे हैं। हाँ काका, आप कहाँ हो और इतनी रात को फोन क्यों किया आपने? धनीराम की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि असमय फोन आने का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। और ऊपर से बेनीराम की आवाज में अनजान भय से उसके मन में उथल पुथल होने लगी। तभी उधर से आवाज आती है, धनिया हम खेत पर रहे और तेरे गेहूं के खेत में लगता है कि गाय घुस आई है। मैंने अभी टॉर्च की रोशनी में उधर हलचल देखी है। क्या कह रहे हो आप, रात को खेत पर क्या कर रहे हैं आप? पूरे गांव में खबर है कि कोई रात में अपने खेत पर नहीं रुकेगा, फिर भी। हेलो हेलो हेलो, आप बोलते क्यों नहीं? उधर से फोन कट चुका था। धनीराम इस तरह से अचानक फोन आने और गांव भर में चेतावनी जारी होने के बावजूद बेनीराम के खेत पर रात को रुकना उसे परेशान कर गया। उसके जहन में कई तरह के ख्याल पनपने लगे, जिससे वह घबरा उठा। वह तुरंत अपनी चारपाई से खड़ा हुआ और अपने सिरहाने रखी टॉर्च और कंबल और लाठी को उठाया। धनीराम ने अपने घर के कवाड़ खोले और अपनी नजर बाहर डाली तो चारों तरफ बस कोहरा ही दिखाई दे रहा था। धनीराम खुद को पूरी तरह से कंबल में ढक चुका था। उसने कवाड़ बंद करते हुए अपने कुत्ते मोती की ओर देखा, जो दरवाजे पर घास के छप्पर के नीचे बंधा हुआ था। वह अपने मालिक की आहट पाकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। हर बार की तरह धनीराम ने मोती के गले की जंजीर निकाली और बढ़ गया अपने खेत की ओर। धनीराम के अंदर डर और चिंता पल पल बढ़ती जा रही थी। अरे यार, पता नहीं बेनीराम काका कैसे होंगे और उसके खेत का गायों ने क्या हाल कर दिया होगा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उसका खेत मनुष्य गांव मोहिनी गढ़ के कस्बे के पास पड़ता है, जो रातों रात वीरान हो गया था। यही सोच के बेनीराम आगे बढ़ रहा था। आखिर किसान के लिए उसका खेत और अन्न ही सब कुछ होता है। सुराईपुर में आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा थी, जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा देती थी। दिन के समय तो किसान अपने खेतों की रखवाली करते थे, लेकिन रात को जब किसान डर की वजह से अपने खेतों की रखवाली करने नहीं जा पाते, ये आवारा पशु रात को उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा देते। चौकन्नी निगाहें निडरता युक्त मन और लाठी पर अपनी मजबूत गिरफ्त बनाए धनीराम रात के गुफ अंधेरे में जुगनू की तरह टॉर्च की रोशनी को टिमटिमाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कोहरे के महीन कण उसके पलकों को भिगोकर वजनदार बना रहे थे। मंद मंद चलती शीतल लहर हड्डियों को पार कर रही थी। हवा से हिलते पेड़ों की आवाज और नजदीक खेत में रो रहे सियारों की डरावनी आवाजें माहौल को खौफजदा बना रही थी। हवा से साय साय करते घास और झाड़ियों की आवाज के बीच धनीराम के जूतों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, जो उसे आज एक भय रूपी सुई की चुभन से दृश्य जान पड़ रही थी, क्योंकि उसके पास उसका एक ही अर्थहीन कारण था कि कहीं उसके जूतों की आवाज कोई सुन ना ले। ऐसे ही कई बेबुनियाद सवालों के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। कोहरा घना होने के कारण वह खुद को एक संकरी खत्म न होने वाली सुरंग में जाता हुआ महसूस कर रहा था।
वह चारों तरफ टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास संकीर्ण स्थान को विस्तीर्ण करने की निरंतर चेष्टा कर रहा था, जो कोहरे के आगोश में समाकर कहीं खो गई थी। धनीराम का कुत्ता बिना किसी खतरे और भय के आगे चल रहा था। वह धनीराम से इतनी दूरी पर चल रहा था कि धनीराम को उसकी धुंधली सी काली आकृति ही नजर आ रही थी। लेकिन धनीराम के लिए ये अच्छा संकेत था, क्योंकि हर प्रकार के खतरों को भापने में कुत्ते माहिर होते हैं। धनीराम अब अपने खेत से बस एक खेत ही दूर था। वह जिस खेत की मेड़ से गुजर रहा था, वो खेत बेनीराम का था। आश्चर्य की यह बात थी कि वहां से उसे बेनीराम की कोई आवाज या फिर कोई गतिविधि नहीं जान पड़ रही थी। धनीराम को लगा शायद बेनीराम कक्का सो चुके होंगे। धनीराम टॉर्च की रोशनी में खेत का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे उसने बेनीराम को आवाज लगाना चाही, तभी खेत में तेजी से हलचल हुई, जैसे मानो कोई जानवर खेत के बीचों बीच से गुजर रहा हो। आहट पाकर उसका कुत्ता भौंकता हुआ उसी दिशा में भागकर खेत में घुस गया। धनीराम अपने कुत्ते मोती को आवाज देकर रोकता रहा, लेकिन कुत्ता खेत में पहुंच चुका था। मोती की आवाज से मालूम हो रहा था कि खेत में शायद कोई अपरिचित जीव था, जिससे मोती का रुख आक्रामक हो गया था। अनिष्ट की आशंका से धनीराम अपने कदमों को तेजी से मोती की ओर बढ़ा रहा था। सहसा मोती की दहशत भरी आवाज ने आगे बढ़ रहे धनीराम के पैरों को वही जमा दिया। धनीराम का दिल एकदम से बैठ गया। उसके शरीर में भय की एक लहर सी चलने लगी। मोती की आवाज के साथ खेत में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। अचानक से धनीराम ने मोती की दिशा में टॉर्च की रोशनी को केंद्रित करके घबराता हुआ बढ़ गया। अब धनीराम उस जगह पर था जहां से मोती की आवाज आई थी। वहां पर पहुंचकर धनीराम ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए मोती को आवाज लगाने लगा, लेकिन मोती का कोई पता नहीं था। अचानक से मोती का गायब हो जाना धनीराम के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उसके भय में वृद्धि होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गतिविधियों में कमी आ गई। उसका शरीर भय से शीतल पड़ने लगा, उसके साथ पांव कांपने लगे। आगे बढ़ रहे धनिया को खेत के बीचों बीच फसल का कुछ हिस्सा उजड़ा हुआ दिखा। गेहूं के पौधे किसी जानवर द्वारा रौंदकर बर्बाद कर दिए गए थे। धनिया ने पास जाकर देखा तो उसे गेहूं के टूटे हुए पौधों के बीच और पौधों पर खून दिखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि मोती पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। हमला कितना ताकतवर था, ये मोती की आवाज का एक बार में ही बंद हो जाने से प्रतीत हो गया था। धनिया हड़बड़ाते हुए मोती को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगा। किसी दौरान खेत में फिर से हलचल हुई। धनिया ने तुरंत पलटकर देखा तो पाया कि पीछे गेहूं के पौधे हिल रहे हैं। धनिया ने डरते हुए अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उसी दिशा में बढ़ाने लगा। धनिया का डर से गला सूख रहा था। टॉर्च की रोशनी में धनिया को गेहूं के पौधों के बीच मोती का पैर दिखा, जो हिलता हुआ बेजान दिख रहा था। जैसे ही धनिया ने टॉर्च की रोशनी आगे ऊपर की ओर डाली, तो खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि धनिया के सामने बेहद खौफनाक मंजर था। धनिया ने देखा कि उसके कुत्ते मोती को एक अजीब सा जानवर खा रहा है, जो दिखने में इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा किसी भेड़िए जैसा दिख रहा था। साथ ही वह खाते हुए भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। उसे इंसान या भेड़िया कहना मुश्किल था, क्योंकि 32 वर्षीय धनिया ने अपनी जिंदगी में ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा और नहीं सुना था कि ऐसा भी कोई जानवर भी हो सकता है। अभी तक उस अजीब से दिखने वाले जानवर के मुंह में अदड़िया थी। वह बहुत ही क्रूर और बर्बर तरीके से मोती के शव को खा रहा था। उसका चेहरा और पंजे रक्त रंजित थे।
भयावह दृश्य देखकर धनिया का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया। चेहरे पर औंस की बूंदों की तरह उभरे पसीने के साथ खौफ से फटी उसकी आंखें बिना झपके एक टक उस दृश्य को देख रही थी। जैसे ही टॉर्च की फ्लैश उस जानवर के चेहरे पर पड़ जाती है तो वह धनिया को देखता है और अपने मुंह में दबाए हुए मांस के टुकड़े को बिना गिराए घुराकर उसकी ओर झपटता है। धनिया उस जानवर के हमले से चीख पड़ता है और वह हड़बड़ाकर गिरता पड़ता है। अपने बचाव में धनिया टॉर्च को वहीं पर गिराकर कई मीटर तक दौड़ लगाता है। उसका कंबल और लाठी कहां गिर गई उसे कुछ भी नहीं याद था। वह डर से कांपता और रोता हुआ अपने खेत की ओर जाने लगता है। धनिया भागते हुए अपनी सहायता के लिए बेनीराम को आवाज लगा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां उसकी सहायता और आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे पीछे से खेत में भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कई भेड़िए एक साथ झुंड में इकट्ठे हो गए हो। धनिया भागकर एक पेड़ के तने की ओर में छिप गया। उसने झांककर पीछे देखा तो उसे महसूस हुआ कि रास्ता साफ है, उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है। शायद वह जानवर ने हमला करने का अपना मन बदल लिया है। धनिया पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। गेहूं के पौधों से जमी औस के कारण धनिया के कपड़े भीगकर सराबोस हो चुके थे। तभी उसे अपने कुर्ते की जेब में पड़े मोबाइल का ध्यान आया। उसने हड़बड़ाते हुए अपने कुर्ते की जेब टटोली। मोबाइल हाथ में लेकर धनिया कप कपाते अपने हाथों से बेनीराम को फोन लगाया। धनिया के होश तो तब उड़ गए जब फोन की रिंग उसे अपने ही नजदीक सुनाई दी। जो फोन बेनीराम के पास होना चाहिए था, उसकी आवाज इतनी नजदीक कैसे सुनाई दे रही है? धनिया इतना डर चुका था कि उसे अब लगने लगा था कि वो डर से या मर तो जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। दरअसल फोन की रिंग पास की झाड़ियों से आ रही थी, जिस दिशा से कुछ क्षण पहले धनिया उस अज्ञात जंगली जानवर से खुद को बचाकर भाग आया था। कोहरे और रात होने की वजह से धनिया को केवल झाड़ियों का वही हिस्सा दिख रहा था जहां से उस फोन की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि झाड़ियों का वह हिस्सा मोबाइल की रोशनी में दीप्तिमान था। धनीराम को अपने आसपास पसरे खौफनाक माहौल से ऐसा प्रतीत होता था जैसे बेनीराम के साथ कुछ अजीब जरूर हुआ है। अनिष्ट की आशंका ने धनीराम को शारीरिक और मानसिक रूप से झकझोर कर दिया था। उसके पैर झाड़ियों में पड़े बेनीराम के मोबाइल की ओर बढ़ रहे थे। शायद वह वहां की स्थिति से वाकिफ होना चाहता था, क्योंकि बेनीराम को लेकर चिंतित था। साथ ही वह कुछ ही दूर स्थित मोहनीगढ़ का रहस्य भी उसे खौफजदा कर रहा था। धनीराम मोबाइल के पास पहुंच चुका था। कॉल पूरी हो चुकी थी, किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया था। धनीराम ने मोबाइल उठाने से पहले अपने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। आसपास किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं दिखाई देने पर वह फोन को उठाने के लिए नीचे झुका। फोन उठाने से पहले उसने बेनीराम के फोन का मुआयना करने के उद्देश्य से अपने फोन की टॉर्च से बेनीराम के मोबाइल को देखा, जो किसी गाढ़े लसलसे पदार्थ से सना हुआ था। वह गाढ़ा लसलसा पदार्थ कुछ और नहीं, खून था। धनीराम खून को देखकर ऐसे कांपा जैसे उसको करंट लग गया हो। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। तभी उसका ध्यान झाड़ी में पड़े फोन के पास से किसी जंगली जानवर की सांसों और गुर्राने की बेहद डरावनी आवाजें सुनाई दी। धनिया ने टॉर्च सामने लगाई तो उसकी जान हलक में अटक गई, क्योंकि सामने वही अज्ञात जानवर था। उसका चेहरा बेनीराम से मिलता जुलता था, लेकिन धनिया को खौफ में कुछ समझ में नहीं आया। वह घबरा कर वही गिर पड़ा और मौत को सामने देखकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह आदमखोर जानवर भी शायद उसके शिकार की ही
ताक में था। उसने बिना समय गवाए धनिया पर छलांग लगा दी। धनिया की दहशत भरी आवाज से आसपास का वातावरण गूंज उठा। धनिया की मौत कितनी दर्दनाक थी। ये रास्ते में पड़े मांस के लोथड़े और रक्त रंजित पौधों से साफ मालूम पड़ रहा था। कौन था यह अजीब जानवर? क्या है सच मोहिनीगढ़ का? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए। स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।